Yes, sir. Good morning. So now we are with the revision lecture of customs. Okay. So sir, शुरू करते हैं क्या customs का revision lecture. Okay. Sir, सबसे पहली बात हमारे fundamentals. जल्दी बात करो. Custom charge क्यों हुआ? To equalize the imported goods with the domestic goods. Custom charge हुआ. Customs किस दिन charge होगा? जिस दिन goods domestic market में जाएगा. Clear? अब sir, custom charge क्यों हुआ? To equalize the imported goods with the domestic goods, custom charge हुआ. Okay, क्या customs का कभी credit मिलेगा ITC? कभी नहीं. Customs का credit कभी नहीं मिलता. Except 37 और 39. याद आएगा 37 क्या है? To equalize the imported goods with the domestic goods in respect of IGST. Government लेके आई क्या? Section 3, subsection 7 of the custom tariff act, which is equivalent to IGST, which is levied in India on the interstate supply of goods. Clear? ध्यान रखना. और sir 39 क्या है? GST compensation says, और इनफैक्ट 37 और 39 का नाम भी क्या है? IGST and GST compensation says ही रेस्पेक्टिव नाम है. अब बताते हैं क्या कि किस अमाउंट पर 37 एंड 39 लगेगा. ध्यान देना, सबसे पहले बात चल रही है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. सर ध्यान देना, बेसिक कस्टम ड्यूटी सबसे पहले लगता है सर. ओके, देन 37. अगर मैं 37 की बात करूंगा आपसे, तो 37 विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट विच इज नोटिफाइड बाय, विच इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8. सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या? 37 विल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस ऑल काइंड्स ऑफ कस्टम ड्यूटी. ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऐड करने का प्लस, ध्यान रखना, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम मतलब इसमें सर ध्यान रखना बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड, प्रोडक्टिव, एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी सब आ गया. ये सब ऐड करेंगे एक्सेप्ट 37 एंड 39. ये सब ऐड कर दिया प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये भी ऐड कर देना. और उस अमाउंट पर क्या लगेगा? 37. और उसी अमाउंट पर क्या लगता है? 39 लगता है, ध्यान रखिएगा. क्योंकि सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 ने भी वही बात कही है कि 39 किस पर लगेगा? जिस अमाउंट पर 37 लग रहा है उसी पर क्या लगेगा? 39 लगेगा. डन. ओके, पर अगर ध्यान रखना SEZ ने, किसने बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है तो उस पर कस्टम लगता है, पर 37 और 39 नहीं लगेगा. ओके, वो एग्जम कर दिया है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से अगर उसने परचेज किया होता है तो भी ZERO जीरो रेटेड सप्लाई है, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करने पे कोई GST नहीं है, तो इंपोर्ट करने पे भी GST नहीं लगेगा SEZ के केस में. डन. फिर बात आती है 39 के बाद आती है 31, 33, 35. प्रैक्टिकली बात करें तो एक्साइज वेट अब प्रैक्टिकली अब रहे नहीं इंडिया में, बहुत कम गुड्स पे रहे, इसलिए 31 एंड 35 जो गुड्स बच गई जिन पे भी एक्साइज और वेट अभी भी लगता है उन पे अभी भी 31 और 35 लगेगा. ओके, 31 क्या है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी विच इज चार्ज टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज इन इंडिया. 31 की रेट क्या होगी? वही होगी जो इंडिया में लगता है, उसको बोलते हैं इंडिया में क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज. उसको बोलते हैं क्या? CVD, काउंटरवेलिंग ड्यूटी. सर 35 चार्ज की हुआ टू इक्वलाइज द वेट CST एंड अदर लोकल टैक्सेस चार्ज इन इंडिया. एंड सर सिंस हर स्टेट में वेट की रेट अलग अलग थी, इसलिए 35 की रेट फिक्स थी. कितना? 4% SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बोलते थे इसको. ओके, अब सर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उस पर वेट भी लगता है, एक्साइज भी लगता है, जैसे टोबैको पे वेट भी लगता है, एक्साइज भी लगता है, टोबैको पे 37 भी लगता है और 39 भी लगता है, GST भी लगता है और GST कॉम्पोजिशन सेस भी लगता है, तो सिक्वेंस क्या रहेगा? ध्यान देना, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या लगेगा? 31 लगेगा. 31 किस अमाउंट पर लगेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको ऐड करेंगे तो आएगा अमाउंट, उस पर लगेगा 31. फिर बेसिक कस्टम प्लस 31 का जो अमाउंट होगा उस दोनों के अमाउंट के टोटल पे क्या लगता है? एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो अमाउंट ऐड करेंगे. उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लगता है? 35. एंड सर 35 पे सेस नहीं लगता, फिर 35 लग जाएगा, 35 को ऐड कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर लगता है 37 और उसी अमाउंट पर क्या लगता है? 39. क्लियर? डन. ओके सर, ये था टाइप्स ऑफ ड्यूटीज इन केस ऑफ सेक्शन 3. सेक्शन 3 में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम क्या क्या लगती है? डन. सर ध्यान रखना, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 37 और 39 के अमाउंट पर नहीं लगता, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया हुआ इनके लिए. देन जो भी प्रोविजंस पूरे कस्टम्स एक्ट के सारे कस्टम पे लगते हैं वही 37 और 39 पे भी लगेंगे. डन सर. नाउ पॉइंट कम्स प्रोटेक्टेड ड्यूटी. सबसे पहली बात सर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल गवर्नमेंट को अगर लगता है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वर्ल्ड प्लेयर से डोमेस्टिक मार्केट कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, इसको थ्रेटनिंग हो रहा है, तो सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट कैन कम आउट विद अनदर सॉल्यूशन. नाम क्या होगा? प्रोटेक्टेड ड्यूटी. इसको एक नोटिफिकेशन थ्रू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देगी. और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट ने एक बार नोटिफिकेशन इशू करके लगा दिया इसको, फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो पार्लियामेंट्री सेशन आएगा उसमें इसको पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा. पार्लियामेंट ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो और भी अच्छी बात है. पर अगर कोई डिसीजन नहीं आया विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिक ये नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा, ध्यान रखना. एंड सर अगर एक बार पास हो गया
अगर पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो दिस ड्यूटी इज ट्रीटेड एट पार विद द बेसिक कस्टम ड्यूटी, और इसको शेड्यूल वन के अंदर ही इंसर्ट करके एडिशनल ऑफ कस्टम चार्ज हो जाता है, और गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है प्रोडक्टिव ड्यूटी को एक बार लगाने के बाद। देन गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकता है बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन शेड्यूल टू ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, और सर गवर्नमेंट को इमरजेंसी पावर दिया कि इमरजेंसी के केस में इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ा सकता है बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन शेड्यूल वन ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर फिर बात आती है सेफगार्ड ड्यूटी, अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है और सर जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट आपने इंपोर्ट किया और उसके इंपोर्ट करने पे गवर्नमेंट लगता है कि वर्ल्ड प्लेयर्स बहुत भारी पड़ रहे हैं इंडियन मार्केट पर और सर उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा डोमेस्टिक मार्केट, तो उन गुड्स पर एडिशनल ड्यूटी गवर्नमेंट सेफगार्ड करने के लिए मार्केट को एक्स्ट्रा लगा सकती है, उसका नाम क्या होगा सेफगार्ड ड्यूटी। पक्का डन। और ध्यान रखना अगर डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया, किसे इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से, तो सर टोटल इंपोर्ट उस गुड्स का पूरे वर्ल्ड से जो इंडिया में इंपोर्ट हुआ है वो गुड्स उसका टोटल इंपोर्ट का 3% तक के इंपोर्ट पर सेफगार्ड नहीं लगेगा अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, और अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो ईच अप टू 3%, बट टोटल 9% तक सेफगार्ड नहीं लगेगा, उससे ज्यादा है तो पूरे पे कस्टम लग जाएगा, पूरे पे सेफगार्ड लग जाएगा। इसके न्यूमेरिकल मैंने बुक में दे रखा वैल्यूएशन के चैप्टर में लास्ट में। देन सर अगर एससीजेड की यूनिट या ईओयू वगैरह ने इंपोर्ट किया तो सेफगार्ड नहीं लगेगा, कस्टम लगता है पर सेफगार्ड नहीं लगेगा, पर इन लोगों ने अगर डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बेच दिया तो अब सेफगार्ड लग जाएगा, ध्यान रखना। ओके सर गवर्नमेंट चाहे तो एक बार प्रोविजनल सेफगार्ड भी लगा सकती है, और ये ड्यूटी एक बार लग गया तो 4 years तक फोर्स में रहेगा, 4 years प्लस 6 years का एक्सटेंशन, टोटल कितना हो गया 10 years तक सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी इनफोर्स। और एक बार जब गवर्नमेंट प्रोविजनल बेस में लगाएगी तब 200 days में कंफर्म करना है कि ड्यूटी लगाना है कि नहीं लगाना है, और एक बार लग गया तो 4 years प्लस 6 years के लिए मैक्सिमम लग सकता है। सिंस चाइना से गुड्स आता था उसके लिए अलग से सेफगार्ड ड्यूटी लगाया था गवर्नमेंट ने, पर 10 years एक्सपायर हो गए इसलिए सेफगार्ड ड्यूटी ऑन चाइना ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना को डिलीट कर दिया सेक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट को लगा कि आउट ऑफ इंडिया से जहाँ से गुड्स आ रहा है उसी कंट्री ने उसकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया वहाँ के एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए एक सब्सिडी दे दी है, सो बिलो द नॉर्मल कॉस्ट में गुड्स अगर आ रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो उस सब्सिडी को इक्वलाइज करने के लिए ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी भी चार्ज कर सकता है, पर एक बार गवर्नमेंट क्या करेगी उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट से कंफर्म करेगी, तब तक के लिए एक बार गवर्नमेंट प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी, पर इसके लिए 200 दिन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। पर अगर उस देश से कंफर्म हो गया कि नहीं उसने कोई सब्सिडी नहीं दी तो नहीं लगाएंगे, और अगर जिन्होंने प्रोविजनल सेफगार्ड ले लिया था हमने ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी ले लिया था उनको रिफंड मिल जाएगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ड्यूटी एक बार अगर लग गया तो 5 years के लिए रहेगा प्लस 5 years का एक्सटेंशन, टोटल कितना हो गया 10 years। और अगर ये ड्यूटी अगर एक बार लगा है, अब गवर्नमेंट लगा कि साहब हमने लेट लगाया है तो 90 days रेट्रोस्पेक्टिव भी लग सकता है ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। अब आती बात क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी, आउट ऑफ इंडिया अगर रिसेशन चल रहा है वहां के लोगों की परचेसिंग पावर खत्म उसकी वजह से गुड्स वहां डंप हो गया तो गवर्नमेंट कैन चार्ज एंटी डंपिंग ड्यूटी बिलो द नॉर्मल कॉस्ट में गुड्स आ रहा है वहां से, क्यों ओवर प्रोडक्शन हो गया साहब वहां के लोगों को लॉस हो रहा है, अब उन्होंने सोचा जितने में जो आया सो पाया तो सर नॉर्मल प्राइस है 800 डम्प्ड प्राइस है 500 तो 300 क्या लग जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी, डम्प्ड प्राइस पे आया तो एंटी डंपिंग लग जाएगा, आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके मंगाया किसी और कंट्री से मंगा लिया या फिर क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल इटली से अगर मार्केट इंपोर्ट किया तो कस्ट एंटी डंपिंग लग जाएगा, आपने क्या किया इटली से नेपाल मंगाया नेपाल से इंडिया मंगा लिया, या फिर आपने सर मार्केट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मंगा लिए और फिर यहाँ ला के असेंबल कर दिया, तो गवर्नमेंट का ऐसा दिमाग खराब मत करना हम ऐसे केस में भी एंटी डंपिंग लगा देंगे। ओके और अगर एसईजेड ने इंपोर्ट किया या ईओयू वगैरह ने इंपोर्ट किया तो हम एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे, पर इन्होंने इंपोर्ट करके डीटीए में बेच दिया तो हम सेफगार्ड लगा दें, अब हम ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर देंगे। और अगर एंटी डंपिंग एक बार लग गया और आपको लगता है नहीं एक्सेस लग गया तो यू कैन फाइल एन अपील, और अपील में अगर आप जीत गए डिसीजन आया जजमेंट आया कि यस आपको जो ड्यूटी आपने पे किया एंटी डंपिंग वो एक्सेस लग गया तो ऐसे केस में उस एक्सेस अमाउंट का क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा, जिस दिन वो ऑर्डर आया उसके 3 months में आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रिफंड के लिए अगर आपने अप्लाई किया क्लियर उसमें अगर डेफिशिएंट क्लेम था तो 1 month के अंदर डिपार्टमेंट वापस लौटाएगा आपको, उसको फुलफिल करके विद इन 1 month आपको रिसबमिट करना पड़ेगा, जब रिसबमिट करोगे तब मानेंगे कि क्लेम फेल हुआ है, और वहां से 90 days के अंदर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी जो एक्सेस आपने पे किया उसका क्या मिल जाएगा रिफंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, नहीं तो ये अमाउंट क्रेडिट कर देंगे कहां पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। क्लियर प्रैक्टिकली ड्यूटी कैसे चार्ज होता है सर ध्यान रखना, गवर्नमेंट क्या करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट एक फिक्स करता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 55 rupees इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये इंपोर्ट करेंगे इसका लैंडेड कॉस्ट गवर्नमेंट देगा, सुना नोटिफिकेशन आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 55 rupees, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 55, इसको कंपेयर करेंगे लैंडेड कॉस्ट से, अब लैंडेड कॉस्ट क्या होता है हर नोटिफिकेशन जो एंटी डंपिंग का होता है उसमें डिफाइन क्या होता है, पर जनरली डिफाइन क्या होता है वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस ऑल काइंड ऑफ कस्टम एक्सेप्ट जो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सेक्शन 3 में थी उनको छोड़ देना, ये जनरली होता है ऐसा, तो क्वेश्चन आपको दिया होगा हमेशा, तो वो कस्टम एड करने के बाद
जो अमाउंट आ रहा है वो आएगा लैंडेड कॉस्ट, उसको कंपेयर करना किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस था 55, लैंडेड कॉस्ट था 50 रुपए, तो 5 रुपीज इज द डंपिंग मार्जिन, तो एंट्री डंपिंग जाएगा कितना 5 रुपीज, दिस इज आउट, दिस आर चार्ज। ओके, अब सर पॉइंट आता है कि एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी, सेफगार्ड, 3739 इनके अमाउंट पे एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस चार्ज नहीं होता। और ध्यान रखना, एंटी डंपिंग हो, एंटी सब्सिडी हो, सेफगार्ड ड्यूटी हो, प्रोडक्टिव हो, ये सब बेसिक कस्टम के वही पे लगता है। उसके बाद लगता है क्या, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो एड कर देंगे सब अमाउंट, उसके बाद क्या आएगा 37, और उसी अमाउंट पे क्या लगेगा 39। क्लियर, डन। ये था टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का सिस्टम, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। पांच केस में, हाँ बस ध्यान रखना, पांच केस में कभी भी एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी नहीं लगेगा। वो पांच केस कौन कौन से, फर्स्ट दोनों ड्यूटी कभी भी साथ में नहीं लगेगी, या तो डंपिंग ड्यूटी लगेगी या फिर एंटी सब्सिडी लगेगी, दोनों साथ में कभी नहीं लगेगा। सेकंड, वो एक्सपोर्टर बोलता है साहब मैं अपनी प्राइस रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज एंटी डंपिंग मत लगाओ, हम एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे। वो गवर्नमेंट बोल देती है कि हाँ हमारा सब्सिडी वापस हम ले रहे हैं, प्लीज एंटी सब्सिडी मत लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। वो गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर दे हमने कोई सब्सिडी दिया ही नहीं, दिस गुड्स एंजॉय द सेम बेनिफिट इफ दोज आर मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इटसेल्फ, तो हमने उसने कोई सब्सिडी दिया ही नहीं, तो एंटी सब्सिडी की बात नहीं आएगी। और सर लास्ट, अगर वो कंट्री WTO का मेंबर कंट्री है या वर्ल्ड ट्रेड या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हुआ हुआ उस कंट्री के साथ, तो ऐसे केस में वो वैसे भी डम्प्ड प्राइस पे या सब्सिडाइज्ड प्राइस पे गुड्स भेजेगी नहीं, तो एंटी डंपिंग नहीं लगेगा। हटा सर, ये था टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। अब एक और बात आती है, छोटी सी प्रोजेक्ट इंपोर्ट, अगर आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 9801 नंबर का हेडिंग डाला है टैरिफ के अंदर। और अगर आपने प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने कंसेशन रेट से कस्टम लगाया है, कंसेशन रेट जो भी होगा टैरिफ में दिया, आपको याद नहीं करना है। और अगर आपने साथ में स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किया तो मैक्सिमम 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इंपोर्ट अलाउ हो जाएंगे स्पेयर पार्ट्स। एंड नया प्रोजेक्ट अगर आपने इंपोर्ट किया वो तो ठीक है, पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुआ और इंक्रीज हुई कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी कितना मोर देन 25%, तो ऐसे केस में भी आपको क्या अलाउ हो जाएगा, प्रोजेक्ट इंपोर्ट का बेनिफिट अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ओके, अब सर बात आती है क्या, ध्यान देना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है और प्रोजेक्ट एलिजिबल कौन कौन, सारे प्रोजेक्ट इन्होंने एलिजिबल किए हुए, जैसे इरीगेशन, इंडस्ट्रियल प्लांट, पावर, माइनिंग, ये सारे प्रोजेक्ट इसके लिए एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। ओके, एक छोटा स्मॉल नोट आ सकता है, मैंने बता दिया आपको, समझ में आया पॉइंट आपको, डन। ये था क्या, प्रोजेक्ट इंपोर्ट। अब बात कर रहा हूं मैं कस्टम्स एक्ट 1962 की। सबसे पहली बात आती है लेवी, सेक्शन में 12 कहता है क्या, कस्टम विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। क्लियर, एंड इक्वल ड्यूटीज विल बी चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट। डन सर। अब सर व्हाट डू मीन बाय इंडिया, इंडिया मीन्स लैंड मास प्लस 12 नॉटिकल माइल्स प्लस वो ऑयल रिग आता है 188 नॉटिकल माइल में, जो ऑयल रिग्स है वो भी इंडिया का पार्ट है, मतलब वहां से कोई गुड्स इंडिया में आया है या इंडिया से कोई गुड्स ऑयल रिग पे गया है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडिया से इंडिया में ही आया है। ओके, पर याद है पानी में तैरता वो होटल अपना 188 नॉटिकल माइल्स में, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहां से कोई गुड्स वहां पे जाए या वहां से कोई गुड्स यहां लाए तो कस्टम्स विल अप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मानेंगे उसको, ध्यान रखना। ओके, इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंपोर्ट के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट फॉर क्लियरेंस, एंड देन इंपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ओके, एक्सपोर्ट केस में एक्सपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट एंड शिपिंग बिल इज फाइल्ड, एक्सपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स क्रॉस द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ध्यान रखना, फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल में पूरा कस्टम्स एक्ट अप्लाई होता है, देन 13 से लेकर 24 नॉटिकल माइल को बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर, उसमें केवल अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं अगर आपने इलीगल काम किया है तो, और उसके आगे जो 176 है नॉटिकल माइल उसमें तो कोई प्रोविजन कस्टम का अप्लाई नहीं होता। देन सर सेक्शन नंबर 12 के बाद आता है सेक्शन नंबर 15 पहले, देन सेक्शन नंबर 15 बोलता है रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। सर इंपोर्ट केस में रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब करेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू लेंगे, भले वेसल से आए, व्हीकल से आए या एयरक्राफ्ट से आए। ओके, और ध्यान रखना अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, पर अगर आपने वेयरहाउसिंग कराया था और वेयरहाउसिंग से बाद में रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन तो ऑब्वियसली बात है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बाद में होगा, एंट्री इनवर्ड तो ऑब्वियसली बात है पहले मिल गया होगा, तो सर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो जाएगा। इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉड वगैरह केस में, एक्सपोर्ट केस में रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू क्या होगा, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला अंडर सेक्शन 51 उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी इज रिलेवेंट, एनी अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हटा सर, ध्यान रखना अगर आपने कोई भी गुड्स DTA से SEZ बेचा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेचा है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स एक्ट। हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक के पर्पज के लिए एक्सपोर्ट है,
जीएसटी के पर्पज के लिए ये क्या है, जेडीआर और सप्लाई, पर कस्टम्स एक्ट के लिए ये डीटीए से एसजेड अगर माल बेचा तो एक्सपोर्ट नहीं है, और किसी ड्यूटी पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। तिरुपति उद्योग लिमिटेड और एसआरएसटी लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ है। सेक्शन नंबर 16 था एक्सपोर्ट के लिए, सेक्शन नंबर 17 आ रहा है असेसमेंट। अरे व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट? डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेल्फ असेसमेंट करेगा कौन? एसजी खुद, उसको कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करता है, एवरीथिंग फाउंड ओके वेरी गुड, और सर अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को रीअसेस करना है तो रीअसेस कर सकता है। अगर आपने रीअसेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, रीअसेसमेंट एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक ऑर्डर पास करेगा, स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर जो बोलता है, क्या बोलता है, रीजंस बोलता है कि मैंने ऐसा ऑर्डर पास क्यों किया, उसको बोलते हैं क्या, स्पीकिंग ऑर्डर। और सर आफ्टर क्लियरेंस वो आपके यहाँ पे आके पोस्ट क्लियरेंस ऑन साइट ऑडिट भी कर सकता है, और ऑडिट करना है तो उसको आपको सर कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डन सर। सर ये था असेसमेंट। सेक्शन नंबर 18 बोलता है प्रोविजनल असेसमेंट। अगर मान लो ड्यूटी का अमाउंट नहीं निकल पा रहा आपसे, क्लियर, या गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स का सैंपल ड्रॉ करके उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है, टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, एक बार प्रोविजनल असेसमेंट का आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो ऐसे केस में मान लो ड्यूटी का अमाउंट उसने बताया 1000 रुपी, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1000 रुपी में, फाइनल मान लो अवसर, पहली बात तो आपसे वो बॉन्ड साइन करवाएगा कि जो भी डिफरेंस होगा बाद में हम एडजस्ट करेंगे विद इंटरेस्ट। ओके, आपने 1000 रुपी पे किया, गुड्स रिमूव किया, अब फाइनल असेसमेंट हो गया कितने में? सर मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ 1200 में, तो 200 पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से? जिस महीने में गुड्स क्लियर कराई थी फॉर होम कंजम्पशन अंडर प्रोविजनल असेसमेंट, उस महीने की फर्स्ट डे से, जिस दिन आप पे करोगे डिफरेंस अमाउंट तब तक का इंटरेस्ट 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कस्टम पड़ रहे हम। ओके एंड सर मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ 1000 में ही, प्रोविजनल भी 1000 था, फाइनल भी 1000 हुआ, बात ही खत्म हो गई। पर सर अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में? 700 में, तो 300 क्या मिल जाएगा? रिफंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब मान लो आपने प्रूव कर दिया कि बर्डन आपने बोन के, आपको रिफंड मिल जाएगा। अब 300 का रिफंड आप अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में रिफंड मिलेगा। पर सर जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ उसके 3 महीने में रिफंड नहीं दिया, भले आपने अप्लाई लेट किया हो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 3 मंथ काउंट करेंगे, उसके 3 मंथ के बाद अगर रिफंड मिला है, भले आपने जानबूझ के लेट अप्लाई किया, तो ऐसे केस में 3 मंथ के बाद वाले पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। 3 मंथ कब से काउंट होंगे? जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से काउंट होंगे, भले आपने रिफंड के लिए बाद में अप्लाई किया उसे कंसर्न नहीं है, प्रोविजनल असेसमेंट के केस में 6% पर एनम। डन। पर मान लो आपने वेयर हाउसिंग के लिए अप्लाई किया था, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1000 में, वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन किया वो 3000 रुपए का, अब सर फाइनल असेसमेंट हो गया कितने में? 1200 में, तो बॉन्ड शुड बी 3600 का, आपने साइन किया कितने का? 3000 का, तो 600 का एडिशनल बॉन्ड आपको और साइन करना पड़ेगा। डन सर। और इसमें इंटरेस्ट की कोई बात आएगी नहीं क्योंकि गुड्स का पड़ा है वेयर हाउस में, ड्यूटी पे करने की बात आई नहीं अब तक। नाउ पॉइंट कम्स कि अगर फाइनल असेसमेंट होता कितने में? 700 में, बॉन्ड साइन किया 3000 का, बॉन्ड साइन करना था 2100 का, आपने एक्स्ट्रा साइन किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म। ये था सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 19, अगर आपने मान लो मल्टीपल गुड्स इंपोर्ट किए, व्हेन सेट ऑफ आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया और मल्टीपल गुड्स इंपोर्ट किया और सबकी वैल्यूज अलग अलग नहीं दे रखी है, सब मिला के 1 करोड़ में इंपोर्ट किया पर रेट ऑफ ड्यूटी सबकी अलग अलग दे रखी है एड वैलोरम ड्यूटी, तो इसी केस में हाईएस्ट रेट जो होगा उसमें क्लासिफाई करके टैक्स लगा देंगे। पर अगर हर गुड्स का अमाउंट ऑफ ड्यूटी पर यूनिट फिक्स था, तो जहां स्पेसिफिक ड्यूटी होता है पर यूनिट फिक्स होता है अमाउंट, वहां ये सेक्शन 19 की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, अब बात आती है क्या, अगर मान लो कोई गुड्स इंपोर्ट किया साथ में आपने पार्ट्स इंपोर्ट किए, पार्ट्स और कंपोनेंट्स, याद है आपने एक कार इंपोर्ट करी साथ में एक टायर आया एक्स्ट्रा टायर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सेपरेट गुड्स नहीं मानना है। पर एक कार के साथ आपने 20 टायर एक्स्ट्रा मंगाए, तो बॉस इफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज आर इंपोर्टेड इन एडिशनल क्वांटिटी, तो वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज को सेपरेट गुड्स मानेंगे, और सेपरेट गुड्स अगर मानेंगे तो अगर वैल्यू अलग अलग नहीं दे रखा है तो हाईएस्ट रेट विल अप्लाई ऑन एंटायर आर्टिकल का सेट ऑफ आर्टिकल्स पे। क्लियर, हटा, ये था सेक्शन नंबर 19 के बाद आएगा 20 और 26, हम साथ में पढ़ेंगे बाद में। 21, जेटसम फ्लोटसम डेरेलिक्ट और रेकेज, याद आया पॉइंट। अब जेटसम फ्लोटसम डेरेलिक्ट रेकेज, जेटसम गुड्स विच आर थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन, फ्लोटसम गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक, डेरेलिक्ट सर अनअटेंडेड बोट ship or steamer in the sea is called derelict or wreckage, broken parts of the sunk ship are called wreckage. अब ये चारों गुड्स इंडिया में आ गई या कोई लेके आया है, तो जो पर्सन इसका ओनरशिप क्लेम कर रहा है, जो पर्सन इसका टाइटल क्लेम कर रहा है, उसको इन पे कस्टम भी पे करना पड़ेगा, इसका वैल्यूएशन कस्टम ऑफिसर करेगा और सर बेस्ट जजमेंट करके वैल्यूएशन करेंगे या फिर ऑक्शन करके इसका वैल्यूएशन निकलेगा। देन 22 कहता है क्या, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स। अरे बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर कोई गुड्स डैमेज हो गया विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो ऐसे केस में जितना वैल्यू उसका रिड्यूस हो गया है उतना प्रोपोर्शन आपको क्या मिल जाएगा, अबेटमेंट। पर ध्यान रखना बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, मतलब
while transit ho, while unloading ho, while in the custody of the custodian ho, ya while in the warehouse ho. Kul mila ke before removal for home consumption agar damage hua hai, to jitni value reduce ho gayi, utna proportion aapko kya mil jayega? Abatement, utna custom kam pay karna padega proportionately. Okay, section 23 kehta hai kya? Lost or destroyed goods ya abandoned goods pe kya? Remission. Before removal for home consumption, arre aapko bata na custom charge kyu hua? To equalize, domestic market goods gaya hi nahi, usse pehle kya ho gaya? Loss ho gaya, destroy ho gaya, without any mistake or negligence on the part of importer or his agent. To aise case mein custom exempt ho jayega, custom pay karne ki zarurat nahi hai, remission mil jayega. Aur haan, kisi bhi karan se, kya bola sir? Kisi bhi karan se, aapko goods agar nahi chahiye, to you can relinquish the title in favor of commission of customs. Donate kar sakte ho custom department ko. Aur agar relinquishment allow ho gaya, sir, aapne relinquishment ke liye apply kar diya, to remission will be allowed, custom pay karne ki zarurat nahi hai. Aur sun, जरूरी नहीं है डैमेज गुड्स हो या डिफेक्टिव हो, पेटी पेक माल था तो भी रेमिशन शेल बी अलाउड. क्लियर? और हाँ, अगर कोई गुड्स ऑफेंडेड थे, ऑफेंडेड गुड्स के लिए कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता है. ध्यान रखना, रिलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होता है ऑफेंस किया हुआ तो. ओके, सिम्फनी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में जजमेंट क्या हुआ सर? अगर गुड्स सिम्फनी सर्विसेज कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ा सा गुड्स डैमेज हो गया और उसने रेमिशन के लिए अप्लाई किया रिलिंक्विशमेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं साहब, इतना सा डैमेज किया मैं तो कर रहा हूं, पूरा पेटी पेक माल था, एकदम परफेक्ट था, तो भी रेमिशन के लिए अलाउ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, रेमिशन मिलेगा. ये था सेक्शन में 23, 24 बोलता है क्या? डीनेचरिंग ऑफ गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स. अगर दारू, अरे फॉर एग्जांपल एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर रेट ऑफ कस्टम हायर है, और एल्कोहल लिकर अगर आपने इंपोर्ट किया इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो कस्टम का रेट कम है. आपने सर एल्कोहल लिकर इंपोर्ट किया, अब किस पर्पज के लिए इंपोर्ट किया? आप तो हमेशा बोलोगे क्या? इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपोर्ट किया, इसलिए सर कस्टम की रेट क्या लगेगी? झगड़ा हो जाएगा सर, इसलिए सेक्शन 24 आया. सेक्शन 24 बोलता है क्या? अगर इंपोर्टर ने कोई इस तरह का गुड्स इंपोर्ट किया जिसके यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग कस्टम की रेट दे रखी है, तो ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर वो प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है और बोल सकता है साहब प्लीज मेरे को ये इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से मैंने इंपोर्ट करी वही रेट लगाना. तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आफ्टर गिविंग इंटीमेशन टू द इंपोर्टर वो उसमें इंपोर्टेड गुड्स में कुछ प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऐसा मिक्स करेंगे सो दैट गुड्स रिमेन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज ओनली, और जिस यूज के लिए वो बच गई है उस यूज के हिसाब से जो कस्टम लगता है वही लगेगा. ओके, डन. डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स. देन सर सेक्शन नंबर 24 के बाद आएगा 26, 25 में गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट द एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स, जो हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में दे रखा है. क्लियर? डेलीगेटेड पावर, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी गुड्स पे एग्जेम्पशन दे सकता है. ओके, वो छोड़, मेरा मेन पॉइंट है सेक्शन नंबर 20 और 26 साथ में आ रहा है सर, ध्यान देना. मान लो मैंने कोई गुड्स इंडिया से क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था. जब एक्सपोर्ट किया था तब मैंने, चलो मैंने कोई गुड्स क्या किया एक्सपोर्ट, और वो गुड्स मान लो वापस रिटर्न हो गया, वापस आ गया, तो क्या इसको नॉर्मल इंपोर्ट मानना है क्या? नहीं, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इंपोर्ट, और ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं थी. सेकंड बात, अगर आपने एक्सपोर्ट करते वक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था, क्या पे किया था आपने बेटा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, और वो गुड्स वापस अगर रिटर्न हो गया विद इन वन ईयर, तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने पे किया उसका आप रिफंड भी ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड बात, अगर आपने एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट करते वक्त कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव लिए थे, तो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव लिए थे वो गुड्स वापस रिटर्न हो गया सर. जैसे ड्रॉबैक लिया आपने, कोई रिफंड लिया, कोई बेनिफिट लिया, तो जितना इंसेंटिव लिया उतना अमाउंट का कस्टम आपको पे करना पड़ेगा. अगर वो गुड्स विद इन थ्री ईयर वापस आ गया तो विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड, विद इन थ्री ईयर प्लस एक्सटेंशन वापस आ गया, तो केवल आपको वो इंसेंटिव ही लौटाने, पूरा कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट बात, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया था, क्या किया था आपने? एक्सपोर्ट, और वो गुड्स रिपेयरिंग के लिए वापस आया, रिपेयरिंग के लिए वापस आया, फिर रिकंडीशन के लिए आया विद इन थ्री ईयर, और नेपाल के केस में 10 ईयर्स में अगर वापस आ गया, या फिर रिफाइनिंग, रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग और अदर सच सिमिलर प्रोसेस के लिए आया विद इन वन ईयर, और वो रिपेयरिंग वगैरह जो करना था करा आपने, और विद इन 6 मंथ वापस से बाहर भेज दिया, प्लस एक्सटेंशन कमीशन दे सकता है मैक्सिमम फर्दर 6 मोर मंथ का, तो ऐसे केस में अगर आपने गुड्स वापस भेज दिया और ACDC सेटिस्फाइड की गुड्स की आइडेंटिटी वही है, जो गुड्स आया था वही गुड्स वापस गया है, तो ऐसे केस में कोई कस्टम वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. डन. लास्ट बात आती है, सेकंड लास्ट बात आती है, अगर मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स आपने इंपोर्ट किया, मतलब बाय वे ऑफ रीसेल इंडिया में आया, तो वो तो नॉर्मल इंपोर्ट है, बाय वे ऑफ रीसेल इंपोर्ट हुआ है, वो तो नॉर्मल इंपोर्ट है, ऐसे केस में नॉर्मल कस्टम जो लगता है वो लगेगा साहब. एंड लास्ट बात आती है, अगर मैंने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा था रिपेयरिंग के लिए, और रिपेयरिंग होकर वापस आ गया विद इन 3 ईयर्स विदाउट रीमैन्युफैक्चर्ड और विदाउट रीप्रोसेस्ड, तो ऐसे केस में जब वो गुड्स वापस आया है तब पूरी मशीन की वैल्यू पे टैक्स पे नहीं करना है, पर हाँ उसका फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे कस्टम पे करना पड़ेगा, भले उसने मेरे से
कोई भी रिपेयरिंग चार्ज लिया है नहीं लिया, मान लो कोई मशीन वारंटी में थी कोई बात नहीं उसने कोई चार्ज नहीं लिया, पर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और पार्ट्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे क्या लगेगा? कस्टम्स लगेगा. क्लियर? डन. ये था सेक्शन नंबर 20 एंड 26. मान लो आपने कोई गुड्स क्लियर करवा दिया फॉर होम कंजम्पशन, आपने क्या कर दिया बेटा? क्लियर करा दिया फॉर होम कंजम्पशन. और सर बाद में आपने गुड्स चेक किया तो गुड्स और फाउंड टू बी डिफेक्टिव या डेफिशिएंट, तो ऐसे केस में जितना कस्टम पे किया था उसका क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा. अगर विद इन 30 डेज आपने रिलिंक्विशमेंट कर दिया उन गुड्स को कमिश्नर के फेवर में, या फिर उन गुड्स को वापस से आपने एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर प्रॉपर ऑफिसर की प्रेजेंस में उन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी, तो ऐसे केस में जो कस्टमर आपने पे किया था ऑन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका रिफंड मिल जाएगा. पर 30 डेज के अंदर वापस आना पड़ेगा गुड्स आपको. किस दिन से? जिस दिन हमने क्लियर कराया था फॉर होम कंजम्पशन उसके 30 डेज में आपको वापस से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स को. प्लस कमिश्नर चाहे तो अगर रीजनेबल ग्राउंड था तो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग वो 3 more months का आपको एक्सटेंशन दे सकता है. और पेरिशेबल आइटम्स या एक्सपायर्ड गुड्स जो खराब हो चुके हैं अब उसके लिए कोई रेमिशन नहीं मिलेगा, या अगर किसी गुड्स के आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो ऑफेंडेड गुड्स के लिए भी कभी रेमिशन अलाउ नहीं होता. क्लियर? और सीबीसी को पावर है वो चाहे तो एडिशनल रूल्स रेगुलेशन या कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है इसके रिगार्ड में. ये हो गया चैप्टर नंबर 1 खत्म. क्लियर? आगे वो पॉइंट बचे हुए छोटे से कि कस्टम ऑफिसर कौन कौन होते हैं, उनका रैंकिंग दे रखा है, सारे ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा बोल देता हूँ. चलो मैं सेक्शन नंबर 3 बोलता है ऑल दी ऑफिसर्स ऑफ द कस्टम्स, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एसीडीसी, सुपरिंटेंडेंट, ये सारे ऑफिसर ऑफ द कस्टम्स हो गए, प्लस कमिश्नर ऑफ अपील्स. देन सर उसके ऊपर होता है सेस्टार्ट. क्लियर? ये सब डिपार्टमेंट हो गया सब. अब पॉइंट आता है क्या कि इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? सीबीसी अपॉइंट करेगा. इनके ज्यूरिसडिक्शन भी सीबीसी फिक्स करेगा. प्लस सीबीसी चाहे तो साहब चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या एसीडीसी को ऑथराइज कर सकता है कि बिलो द रैंक ऑफ एसीडीसी को ऑफिसर्स को आप ही अपॉइंट कर देना, हमारे तक बात मत आने देना, कोई दिक्कत नहीं, ऑथराइज कर सकता है. प्लस सीबीसी को ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अदर ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ एनी कस्टम ऑफिसर, और अगर अपॉइंट करता है तो ही विल बी ट्रीटेड पार विद द नॉर्मल कस्टम ऑफिसर. कस्टम ऑफिसर के पावर क्या क्या होते हैं? वो सारे पावर जो एक नॉर्मल कस्टम ऑफिसर को दिए होते हैं वो तो ही है, प्लस अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के पावर भी वो एक्सरसाइज कर सकता है. पर ध्यान रखना कमीशन ऑफ अपील्स कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ओके मालिक, एक्सेप्ट पावर टू समन, समन नोटिस इश्यू करके पर्सनल अटेंडेंस बुला सकता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मंगा सकता है, बाकी कोई पावर कमीशन ऑफ अपील के पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नहीं होता है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है? जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर होता है, जो क्या करते हैं ऑफिसर दोज हु हैव पावर टू इश्यू द ऑर्डर, एक्सेप्ट कमीशन ऑफ अपील्स, एक्सेप्ट सेस्टार्ट एंड एक्सेप्ट सीबीसी. ओके सर, अब आ जाती है सेक्शन 7. सेक्शन 7 में पावर है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो सीबीसी क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्लस सीबीसी कैन ऑल्सो अपॉइंट, ध्यान रखना, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज एंड इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है साहब. एंड अगर बाय लैंड अगर गुड्स आता है या इनलैंड रोडवेज गुड्स आता है तो सीबीसी विल ऑल्सो अपॉइंट द रूट जिससे गुड्स आएगा. ओके ठीक मालिक, ये था सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 8 बोलता है कस्टम एरिया. एवरी पोर्ट का एक कस्टम एरिया होता है जो वहां का कमिश्नर डिजाइन करेगा, कि ये डिफाइन करेगा कि ये हमारा कस्टम एरिया जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होगा और जहां पे गुड्स विल रिमेन इन कस्टम एरिया अनलेस अ कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर जब तक नहीं मिल जाता तब तक गुड्स विल रिमेन इन कस्टम एरिया ओनली. सेक्शन 9 वेयरहाउसिंग स्टेशन डिलीट हो गया. सेक्शन 10 है एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग प्लेस. कमिश्नर फिक्स करेगा जहां से कस्टम ऑफिसर बोर्डिंग करेगा वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए वेसल एयरक्राफ्ट पे. सेक्शन 11 कहता है प्रोहिबिटेड गुड्स, गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए तो डिक्लेयर कर देगा कि दीज आर दी प्रोहिबिटेड गुड्स. ओके, रीजन उसके बहुत सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 11A to 11G बोलता है डिटेक्शन ऑफ इलीगली इंपोर्टेड गुड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ देयर डिस्पोजल इन दी मार्केट. अगर कोई गुड्स इलीगली इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है पर किसने इंपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया नहीं पता, पर ये गुड्स इंपोर्ट हुआ है, ये पेन मान लो इलीगली इंपोर्ट हुआ, ये पता पड़ गया गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन इशू करके बोलेगा कि जिसके पास भी ये गुड्स पड़े, जहां पड़े, जिस क्वांटिटी में पड़े, जिस कंडीशन पड़े, हमको डिक्लेरेशन दो विद इन नेक्स्ट 7 days. वो सब लोग डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा सर, उनको बोलेगा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर इन्वॉइसिंग होना चाहिए आपकी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर इन्वॉइस होना चाहिए या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए या फिर मेमोरेंडम प्लस मेमोरेंडम और वाउचर भी होना चाहिए जो डिपार्टमेंट इशू करेगा. प्लस गवर्नमेंट चाहे तो बाद में फिर क्या करेगा, इन सब जगह पे इंस्पेक्शन करके या ऑन रोड क्या करता है, ऑन दी वे गवर्नमेंट क्या करता है, नाकाबंदी करता है चेक पोस्ट पे, सर उनको डिस्पोज ऑफ करने से बचाएगा चेकिंग करने के बाद. ओके, पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर गुड्स आर हेल्ड एट रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, फॉर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस बड़े फॉर पर्सनल यूज, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. देन सेक्शन 8 to 11M.
सेक्शन 11H2 11M, सेम सेक्शन फॉर इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. नाउ इलीगल एक्सपोर्ट मतलब एनी एक्सपोर्ट इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और रूल्स मेड देयर अंडर. अब सर कोई भी गुड्स अगर इलीगल एक्सपोर्ट होने वाला है या हो रहा है इंडिया से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगेन सेम प्रोविजन नोटिफिकेशन इशू करेगा, बोलेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज हमको डिक्लेरेशन दो गुड्स कहाँ पड़े, कितने पड़े, किस क्वांटिटी में पड़े. पर जिसके पास गुड्स मार्केट वैल्यू नॉट एक्सेडिंग ₹15,000 तक के पड़े, अप टू ₹15,000 के पड़े, क्या स्मगलिंग करेगा आदमी, क्लियर. ऐसे केस में उसको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है. बाकी सब पे प्रोविजन अप्लाई होगा. ड्यूरिंग ट्रांजिट प्रॉपर बिल होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए, प्लस मेमोरेंडम या वाउचर जो डिपार्टमेंट इशू करेगा वो होना चाहिए आपके पास, क्लियर. एंड मेंटेन आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, प्लस पेटी सेल पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होता. पेटी सेल मतलब ट्रांजेक्शन अप टू ₹1,000 तक अप्लाई नहीं होगा. पर हाँ, डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट इज ₹2,500. डेली का ट्रांजेक्शन आपका 2500 से ज्यादा नहीं जा रहा तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. ये खत्म हो गया क्या चैप्टर नंबर 1 कस्टम का सबसे बड़ा चैप्टर था. ओके, नाउ आई एम बिगनिंग विद द वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स. सबसे पहली बात सर, किस अमाउंट पे कस्टम लगता है, वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगता है. वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होता है सर, सिंगापुर के पोर्ट से गुड्स इंडिया में आ रहा है, सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो सिंगापुर पोर्ट तक की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स. सर वो कॉस्ट जिसका वो प्राइस जो हमसे चार्ज करी किसने, उस एक्सपोर्टर ने, जिसको बोलते हैं FOB, सिंगापुर पोर्ट तक की कॉस्ट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड. सर वहां से यहाँ पे आएगा तो कंपलसरी इंश्योरेंस एड होगा, कंपलसरी फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज एड होगा. ये सब एड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर असेसेबल असेसेबल वैल्यू, जिसपे क्या लगना है, कस्टम्स. अब बात आती है क्या इंश्योरेंस के केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है. अगर इंश्योरेंस आपने एक्चुअली कितना पे किया वो दे रखा है क्वेश्चन ने, तो वही ऐड कर देना. अगर नहीं दिया हुआ है तो 1.125% ऑफ FOB ऐड कर देना. ओके सर, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज अगर नहीं दिया तो 20% ऑफ FOB ऐड कर देना. अगर दिया है तो डिपेंड्स बाय वेसल या बाय लैंड आया है तो एक्चुअल ले लेना, क्लियर. पर बाय एयर आया तो एक्चुअल और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 20% लेना है. मतलब गवर्नमेंट ने फायदा दिया हमको यहाँ पे वही ऐड करने का, एक्चुअल और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लेस बाय एयर के केस में, बाय वेसल या एयरक्राफ्ट में एक्चुअल भले ज्यादा हो कम हो वो ऐड कर देना. ओके, जो अमाउंट आएगा वो क्या जाएगा, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज. ध्यान रखना फ्रेट के साथ लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज भी ऐड हो जाएंगे, और वो सब 20% ऑफ FOB बताया क्या है, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज सब ऐड करने के बाद है. ओके, ये ऐड कर दिया आपने बेटा, अरे हाँ है ना, वापस रही बोल रहा हूँ, ध्यान रखना FOB में क्या ऐड करोगे, इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कितना है, नहीं दिया तो 1.125% ऑफ FOB, दिया है तो एक्चुअल लेना भले कैसे भी है, और बाय वेसल सॉरी फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज नहीं दिया 20% ऑफ FOB, क्लियर. और अगर दिया है तो सर क्या करने का, बाय एयर आया तो एक्चुअल 20% विच एवर इज लेस, और बाय वेसल या एयरक्राफ्ट बाय वेसल या बाय लैंड आया तो एक्चुअल लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ये एड क्या, कंपलसरी एडिशन तो आ गया क्या, असेसेबल वैल्यू. अब इनके 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा और ध्यान रखना, कस्टम पोर्ट से इंडियन कस्टम पोर्ट पे आ गया, फिर यहां से आपने ट्रांसशिपमेंट करके किसी और वेसल किसी और एयरक्राफ्ट किसी और एयरपोर्ट या किसी और वेसल पे किसी और पोर्ट पे आप लेके गए, या इंडियन कंटेनर डिपो लेके गए, या कंटेनर फ्रेट स्टेशन लेके गए, तो यहां से वहां तक का फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज या इंश्योरेंस चार्ज को कभी भी ऐड नहीं करते. सेकंड बात जो ध्यान देनी है आपको, मान लो कभी क्वेश्चन है FOB प्लस इंश्योरेंस दिया हुआ है, अब अलग से FOB नहीं दिया, और खास बात फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज भी नहीं दिया, FOB प्लस इंश्योरेंस का अमाउंट अगर दे रखा है तो जो FOB प्लस इंश्योरेंस है इसी का 20% लेना, क्या फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज. सेम वे अगर इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दे रखा पर FOB प्लस फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज दिया हुआ है तो FOB प्लस फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज होगा, उसी का 1.125% ऐड करना, वो क्या हो जाएगा इंश्योरेंस का अमाउंट आ जाएगा. बात खत्म होती है अब, डन सर. ओके, ये था कंपलसरी एडिशन. नाउ रूल नंबर 10 में ये लिखा हुआ है ऑप्शनल एडिशन क्या क्या होंगे. सबसे पहली बात, कमीशन पे टू द एजेंट हमेशा ऐड करने का एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. कुछ भी नहीं लिखा समझना कि कमीशन ऐड करना है, भले इंडियन एजेंट को पे किया, फॉरेन एजेंट को पे किया, INR में पे किया, फॉरेन करेंसी में पे किया, हमेशा ऐड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. कुछ भी नहीं बोले मतलब ऐड करना कमीशन ही होगा, वो बाइंग कमीशन होगा तो अलग से बोलेगा. देन पैकिंग चार्ज हमेशा ऐड करने का, भले प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी हो, स्पेशल हो, वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो. कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स अगर रिटर्नेबल तो ऐड नहीं करना, नॉन रिटर्नेबल तो ऐड कर देना. ओके साहब, फिर बात आती है क्या क्या आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रॉ मटेरियल मोल्ड्स डाइस जिग्स फिक्सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से बाहर भेजे तो सर उसकी पूरी कॉस्ट ऐड कर देना, और कंसेशन रेट पे भेजे तो जितना कंसेशन दिया वो ऐड कर देना टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्लियर. देन आता है रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया. अगर रॉयल्टी और लाइसेंस फी भी आपने पे किया है तो वो भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ गुड्स. अगर आपने
और एक्स्ट्रा पे किया रॉयल्टी लाइसेंस फी, ओके, पर राइट टू रिप्रोड्यूस परचेस किया है, मतलब आपने फॉर्मूला परचेस किया और गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे, तो क्या कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ है क्या? नहीं, तो ऐसे केस में कस्टम की बात नहीं आएगी। ओके सर, फिर बात आती है क्या, आपने उस एक्सपोर्टर के बिहाफ पे किसी और पर्सन को कुछ और पे किया है तो वो भी ऐड करना है बेटा। देन अगर उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ और आपने बेनिफिट दिया तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड का और भी कोई पार्ट आपने दिया है कि मैं इतना बेचूंगा उसे एक परसेंटेज और दूंगा, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सब ऑप्शनल एडिशन है। और पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए कोई चार्ज अगर उसमें इंक्लूड किया हुआ है तो वो एक्सक्लूड करने का। ध्यान रखना, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी केवल एक ऐड होता है, कौन सा? रॉयल्टी या लाइसेंस फी, जो अभी हमने पढ़ा, रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, केवल वो ऐड करना है। बाकी ध्यान रखना, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी का कोई भी चार्ज ऐड नहीं होता है, और ऑलरेडी अगर ऐड किया हुआ तो उसको क्या करने का? एक्सक्लूड करने का, लेस करने का। ओके डन। अब ध्यान रखना, ये सारे एडजस्टमेंट क्या करने हैं, जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं सब एफओबी में करने हैं। रिवाइज्ड एफओबी निकलेगा, रिवाइज्ड एफओबी निकलेगा, उसके बाद केवल दो चीज बचेगी, क्या? एक तो इंश्योरेंस और एक फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज। ये ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा क्या? असेसेबल वैल्यू होगा। क्लियर? देखना, रिवाइज्ड एफओबी निकलेगा और रिवाइज्ड एफओबी का ही 20% या 1.25% जो आएगा वो करने का। डन। ये था आपका रूल नंबर 10, जो बहुत काम का रूल था, इसकी बेस पे वैल्यूएशन के रूल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ओके, अब साथ में बात करता हूँ रेट ऑफ एक्सचेंज की। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है? सीबीसी का लेना है। कौन सा लेना सर? सीबीसी का। पर किस दिन का? जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ था। क्या फाइल हुआ था सर? फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, भले वो वेयरहाउसिंग वाला हो या होम कंजम्पशन हो, जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। और एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीसी वाला। क्लियर? आई रिपीट द पॉइंट, रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, सीबीसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का? जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, भले वेसल आया नहीं आया, एंट्री इनवर्ट मिला नहीं मिला, भले बिल ऑफ एंट्री वेयरहाउसिंग वाला हो या होम कंजम्पशन वाला हो, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया है वो ही रेट ऑफ एक्सचेंज काम आएगा। क्लियर? पक्का? डन। एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी में रिपीट कर देता हूं, रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ट विच एवर इज लेटर का, इंपोर्ट केस में। एक्सपोर्ट केस में जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला, क्लियर, अंडर सेक्शन 51, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अगर कस्टम लगता है तो। रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू दोनों के लिए, रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू दोनों के लिए सेक्शन नंबर 15 और 16। समझ में आया बेटा पॉइंट? डन। ओके सर, अब अदर रूल्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन, सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 1, अब शुरू कर रहा हूं मैं पॉइंट, ध्यान देना। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 बोलता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। एंड सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट हैज पावर, कि गवर्नमेंट चाहे तो टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दे किसी भी गुड्स का, और टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो टैरिफ वैल्यू ही रिलेवेंट होगी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके डन। और टैरिफ वैल्यू अगर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है तो वो चेंज भी करता है टाइम टू टाइम, और हमको अगर टैरिफ वैल्यू वाली गुड्स का क्वेश्चन आ गया कभी लाइफ में तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू क्या होता है? इंपोर्ट केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ट विच एवर इज लेटर। एक्सपोर्ट केस में जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। ध्यान रखना, रेट ऑफ एक्सचेंज वापस बोल रहा हूँ, सीबीसी वाला बिल ऑफ एंट्री जो फर्स्ट फाइल करी, भले वेसल आया है नहीं आया, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री वाला, और एक्सपोर्ट केस में शिपिंग बिल जिस दिन फाइल किया था उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीसी वाला। ओके डन। सर अब बता दी क्या वैल्यूएशन रूल्स की, रूल नंबर 3 कहता है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ, दो कंडीशन, अगर बायर सेलर रिलेटेड है और वो प्रूव कर दे कि रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ तो हम तो एक्चुअल ही एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड केस, अगर बायर सेलर रिलेटेड नहीं है तो एक्चुअल एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ध्यान रखना आपकी टर्म्स कंडीशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हो गया, जैसे सेलर शुड नॉट बी एंटाइटल टू एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लॉ। ये सब एग्जांपल केवल। देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग रीसेल एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल, या ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन रेस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हो गया तो ऐसे केस में एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऐसे केस में फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। ध्यान रखना, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो एक्चुअल एक्सेप्ट करना, और रिलेटिव हो और रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ तो भी एक्चुअल एक्सेप्ट करना, पर अगर एक्चुअल एक्सेप्ट नहीं करना है इस पर रूल नंबर 3, तो सर रूल नंबर 3 में लिखा है फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। ओके, तो 3 से नहीं आया तो 4, 4 से नहीं आया तो 5, 5 से नहीं आया तो 7, 7 से नहीं आया तो 8, 8 से नहीं आया तो 9, से तो हो ही जाएगा, 9 है बेस्ट जजमेंट। ओके, पहले बात करते हैं 3 से नहीं आया तो 4, 4 क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। अरे व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिकल गुड्स? आइडेंटिकल गुड्स मतलब जैसे ये एब्सोल्युटली सेम गुड्स विच आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अपीयरेंस, इन क्वालिटी, इन रेपुटेशन, इन परफॉर्मेंस एटसेट्रा, वेदर
Then whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer, but country of origin must be the same. तो इसको बोलेंगे क्या identical goods. पर ध्यान रखना जो goods, ये goods मैंने import किया, इसकी value सही नहीं है, तो इसका मैं क्या देख रहा हूँ? Identical goods की value देख रहा हूँ. पर हाँ, एक point मेरे से रह गया था. ध्यान रखना ऑप्शनल एडिशन में ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क और डेवलपमेंट वर्क, अगर ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई किया तो एड नहीं होता, और अगर ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क आउट ऑफ इंडिया करवाया तो एड होता है. अब सीन्स ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क डेवलपमेंट वर्क अगर इंडिया से करवाया तो वैल्यू में एड नहीं होता, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है. तो रूल नंबर 4 और 5 में उसका इफेक्ट आता है. क्या बोला है? मैंने ये गुड्स इंपोर्ट किया बैटरी, इसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू देखा, पर इसका खुद का ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई हुआ तो इसको आइडेंटिकल गुड्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू अफेक्टेड होती है इसलिए. ओके, अब सर, और अगर रूल नंबर 4 बोलता है क्या, आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है पर आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू है, तो गुड्स इंपोर्टेड एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी, वो हम ट्रांजेक्शन कवर कर लेंगे, और दैट वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, और अगर मोर देन वन वैल्यू आती तो लोएस्ट विल बी टेकन. क्लियर? ध्यान रखना. और हाँ, अगर टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड. अगर मान लो सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहे तो जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगा वो लेंगे, और सर हाइएस्ट, सर नियरेस्ट जो भी उसका मिलता जुलता ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन ले लेंगे, और रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल ऑलवेज बी अलाउड फॉर क्वांटिटी डिफरेंस. ओके, ठीक मालिक. एंड ध्यान रखना, अगर किसी गुड्स का खुद का ही प्रोविजनल असेसमेंट हुआ हुआ है, वो खुद का तो हेल्प कर नहीं पा रहा, हमारी क्या हेल्प करेगा. इसलिए रूल नंबर 4 में कहा कि उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे जिसका खुद का ही क्या हुआ हुआ है, प्रोविजनल असेसमेंट. रूल नंबर 4 खत्म होता है. अब रूल नंबर 4 के बाद क्या है? रूल नंबर 5 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स. नाउ वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स क्या होता है? अरे साहब, ये दोनों क्या है? सिमिलर है, नॉट एब्सोल्युटली अलाइक, but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable are called similar goods. Clear? पर ध्यान रखना, भले manufacturer अलग हो चल जाएगा पर country of origin must be the same, और उसके लिए drawing design artwork या development work India से supply नहीं होना चाहिए, और सर बाकी rule number 4 and 5 absolutely same है सर. Done. Rule number 4 बोलता है value of identical goods, rule number 5 बोलता है value of similar goods, और उससे भी नहीं आया तो rule number 7 बोलता है क्या? Deduction method. साहब, जो goods आपने import किया उसकी value acceptable नहीं है, 4 से भी नहीं आ रही है, 5 से भी नहीं आ रही है, पर सच गुड्स आफ्टर इंपोर्टेशन देयर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट में जब हम रीसेल करते हैं सेम कंडीशन में वो रीसेल होता है. जो इंपोर्ट किया वो या आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स सेम कंडीशन में क्या होता है? रीसेल होता है. तो जब रीसेल होता है उसका डोमेस्टिक मार्केट का जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, जिस प्राइस पे हाईएस्ट क्वांटिटी सेल होती है डोमेस्टिक मार्केट में, वो वैल्यू ले लेंगे हम. क्लियर? और वहां से डिडक्शन करते हुए पोस्ट इंपोर्टेशन के जितने भी खर्चे थे वो सब लेस करेंगे, आपका मार्जिन लेस करेंगे. सर डोमेस्टिक मार्केट टैक्सेस वगैरह जो है जीएसटी, जैसे जीएसटी लगा सेल करने पर वो लेस किया, आपका प्रॉफिट मार्जिन लेस किया, आपके सारे खर्चे इंपोर्ट करने के बाद किए, सारे खर्चे लेस करते हुए कस्टम पोर्ट तक पहुंच गए, और सर कस्टम पोर्ट तक जो वैल्यू आ जाएगी लेस करने के बाद सारे खर्चे, वो वैल्यू होगी इंक्लूसिव ऑफ कस्टम्स. ध्यान रखना, फिर कस्टम लेस करेंगे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू एज पर डिडक्शन मेथड. क्लियर? डन. और सर ध्यान रखना, अगर सेम कंडीशन में गुड्स रीसेल नहीं होता, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद रीसेल होता है, तो रीजनेबल मींस विल बी टेकन, और वो रीजनेबल प्रोसेसिंग चार्ज होता होगा वो भी एस्टिमेट कैलकुलेट करके लेस करेंगे बेस्ट जजमेंट करके. ये था रूल नंबर 7. क्लियर? प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करना पड़ेगा अगर प्रोसेस फॉर्म में सेल होता है तो. रूल नंबर 7 से नहीं है तो, और हाँ ध्यान रखना, डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल जो हो रहा है वो रीसेल की वैल्यू जो लेनी है, आपने जिस दिन इंपोर्ट किया उसके मैक्सिमम नेक्स्ट 90 डेज के अंदर अंदर की वैल्यू आ जानी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर रूल नंबर 8 फॉलो करेंगे, या फिर मान लो रीसेल होता ही नहीं सब सेम कंडीशन में तो रूल नंबर 8 फॉलो ही करेंगे. रूल नंबर 8 बोलता है कैलकुलेशन मेथड. कैलकुलेशन मेथड क्या बोलता है? उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकर भेजेगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग, प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशन, वो सब एड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उस पर क्या पे करना है? कस्टम पे करना है. रूल नंबर 9 बेस्ट जजमेंट. क्लियर? और सर बेस्ट जजमेंट के लिए कस्टम ऑफिसर बोला कि तू कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकता है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके देखेगा कि वैल्यू क्या होना चाहिए. क्लियर? पक्का? एंड दैट वैल्यू शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अबोव सेक्शन नंबर 14 एंड अबोव रूल्स. क्लियर? डन. ये था रूल नंबर 9. रूल नंबर 10 था एडिशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा. रूल नंबर 11, सर एवरी इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरी गुड्स का वैल्यू इतना है. और सर रूल नंबर 12 बोलता है ऑफिसर के पास पावर की, उसको लगता है कि वैल्यू गड़बड़ है तो आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, वो वैल्यू क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है. वो रिजेक्ट कब करेगा? अगर उसको लगता है कि वैल्यू सही नहीं है. आइडेंटिटी गुड्स के ट्रांजेक्शन बहुत हायर प्राइस पे आए हुए,
आपका बहुत कम है सर, या इस तरह का कोई रीजनेबल मीन्स उसको लगता है कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, आप रिलेटिव हो, रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ, ऐसा कुछ उसको लगता है तो वैल्यू क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। ये हो गया इंपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स खत्म। अब बात आती है क्या, हाईसी सेल। हाईसी सेल के केस में लास्ट जो हाईसी सेल हुआ होगा, जो जितने अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ होगा उस अमाउंट पर ही कस्टम लगेगा। लास्ट हाईसी सेल की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स, और जब वो कस्टम क्लियरेंस होगा उस टाइम पे कस्टम लगेगा लास्ट हाईसी सेल की वैल्यू पर, और उसी पे क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। एवरी हाईसी सेल को इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं इस पर आईजीएसटी एक्ट, पर उस पर आईजीएसटी हर ट्रांजेक्शन में नहीं लगाया, जब कस्टम क्लियरेंस होगा उस टाइम जब कस्टम लगेगा साथ में आईजीएसटी पे हो जाएगा, हर बार आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है हाईसी सेल के केस में। ओके, ये क्लेरिफिकेशन था सीबीसी का। ओके, फिर बात आती है क्या, अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड में मैंने गुड्स इंपोर्ट किया 1 करोड़ में, पर इंडियन मार्केट में वैल्यू हो गई कितनी, 10 करोड़, और मेरे से उस बेचारे ने 1 करोड़ ही लिया, वो 10 दिन लेट हो गया माल बेचने में, माल भेजने में, तो 10 दिन में मार्केट वैल्यू बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है साहब, मेरे से उसने एज फार एज 1 करोड़ ही लिया है तो 1 करोड़ पे कस्टम लगेगा, भले इंडियन मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए उससे कंसर्न नहीं है। सेकंड बात सर, कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन चार्जेस हमेशा ऐड करना है, बात खत्म सर। सर मान लो कोई मशीन इंपोर्ट करने का, नेक्स्ट पॉइंट, मशीन इंपोर्ट करने का लाइसेंस मेरे पास नहीं था, अच्छा कैनलाइजिंग एजेंट समझ में आया, अरे कैनलाइजिंग एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन हमेशा ऐड करना सारे कमीशन को। ओके, नेक्स्ट केस दनलोब इंडस्ट्री का, मैंने कोई मशीन इंपोर्ट करी, मशीन इंपोर्ट करने का लाइसेंस मेरे पास नहीं था, तो मैंने आपका लाइसेंस यूज किया, आपने मेरे से लाइसेंस फी चार्ज किया, तो वो भी वैल्यू गुड्स में ऐड हो जाएगा। फिर बात आती है कि सर क्या, मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 करोड़ में, और डिपार्टमेंट बोलता है क्या, नहीं नहीं 1 करोड़ वैल्यू नहीं, इसकी बहुत हायर वैल्यू है, पर डिपार्टमेंट ऐसा कोई एविडेंस लेके नहीं आ पाया जिसकी वजह से वो प्रूव कर पाए कि मेरा वैल्यू सप्रेस्ड वैल्यू पे था, क्लियर। तो ऐसे केस में कोर्ट में गिरा एंटरप्राइज के केस में जजमेंट आया कि बॉस अगर डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया कि वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी गुड्स के ट्रांजेक्शन हायर प्राइस पे थे, डिपार्टमेंट क्या कर पाया है, केवल एक कंप्यूटर प्रिंटआउट लेके आया, किसी वेबसाइट के प्रिंटआउट ले आया, विच इज नॉट अ रिलेवेंट ग्राउंड टू डिसाइड कि ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया डिपार्टमेंट केस हार गया और गिरा एंटरप्राइज में जजमेंट आया कि बॉस अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि वैल्यू जेन्युइन नहीं है, वैल्यू सप्रेस्ड है, तो सर वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड, जो डिपार्टमेंट जो असेसर ने डिक्लेयर करी वही वैल्यू क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मींस इस जजमेंट से पता पड़ा कि बर्डन टू प्रूव इज ऑन द डिपार्टमेंट की वैल्यू सप्रेस्ड है, क्लियर, डन। ओके सर, यहां तक बात समझे मेरी आप, पक्का डन, ध्यान रखना सर, कस्टम समझ में आया, वैल्यूएशन समझ में आया, ये था इंपोर्ट का वैल्यूएशन, क्या था बेटा इंपोर्ट का वैल्यूएशन। अच्छा एक जजमेंट हो रहा क्या, अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी से आपने कोई इंस्पेक्शन करवाया, सर्टिफिकेशन करवाया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो आपने इंस्पेक्शन करवाया, सर्टिफिकेशन करवाया, उसके लिए चार्ज पे किया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस चार्ज को वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर डन। ये सारे जजमेंट वगैरह खत्म होते हैं अब किसके, कस्टम वैल्यूएशन इंपोर्ट के रिगार्डिंग, ना वो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, ध्यान रखना एक्सपोर्ट के केस में एफओबी वैल्यू ही क्या होती है, वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, क्योंकि इंडियन पोर्ट पे कस्टम लगेगा तो इंडियन पोर्ट तक कोर्स को बोलते हैं क्या, एफओबी। ओके, अब बात आती है क्या, रूल नंबर 3 बोलता है एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, रूल नंबर 3 एक्सपोर्ट वैल्यूएशन का, एक्चुअल वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, क्लियर, और अगर रिलेटिव है तो रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं होता तो भी एक्चुअल एक्सेप्ट कर लेंगे, ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 बोलता है अगर जो आपने इंपोर्ट आपने एक्सपोर्ट किया उसका वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रूल नंबर 4 बोलता है क्या, गुड्स ऑफ लाइक एंड एंड लाइक क्वालिटी, अगर सेम गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुई है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम, भले ही एक्सपोर्ट करने वाला पर्सन कोई मैं खुद हूँ या कोई और चल जाएगा, गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी की मैं वैल्यू एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर क्वालिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है, तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज बी अलाउड। रूल नंबर 5 बोलता है साहब अगर 3 से भी नहीं आया, 4 से नहीं आया, तो 5 बोलता है अपना कैलकुलेशन मेथड, मैं अपना कॉस्ट ब्रेकअप दूंगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एंड एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू अराइव एट असेसेबल वैल्यू, और उस पर लग जाएगा क्या, कस्टम ड्यूटी। ओके, उससे भी नहीं है तो रूल नंबर 6 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट, क्लियर। रूल नंबर 7 बोलता है आपको वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी शिपिंग बिल में। रूल नंबर 8 बोलता है क्या, ऑफिसर इज पावर टू रिजेक्ट द वैल्यू डिक्लेयर बाय द एसएससी बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, अगर उसको लगता है कि वैल्यू गड़बड़ है तो। ओके डन, ये सर एक्सपोर्ट की बात खत्म होती है। अब ध्यान रखना एक्सपोर्ट के केस में एफओबी वैल्यू पे क्या लगता है, कस्टमर का, उसमें कोई आप इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह मत जोड़ देना, पर हाँ इंडियन पोर्ट तक की कॉस्ट को जरूर जोड़ देना। ओके डन, ये वैल्यूएशन चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, पक्का। ओके डन सर,
अगली बात आती है सर, क्या वेयर हाउसिंग इन केस ऑफ कस्टम्स, क्या जरूरी क्या आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया उसको उसी दिन कस्टम क्लियरेंस कराना है? नहीं बॉस, आप चाहो तो इनको कस्टम बॉर्डर वेयर हाउस में भी स्टोर करवा सकते हो। तीन तरह के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस और स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है, ओनर मैनेज बाय कौन, प्राइवेट पार्टी होती है बेटा, पर एनी इंपोर्टर कैन स्टोर हिज गुड्स। और लाइसेंस कौन देता है, भले कोई भी वेयर हाउस हो, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ही लाइसेंस देगा। जहां जहां कमिश्नर काम आया वहां प्रिंसिपल कमिश्नर भी है, मैं कमिश्नर बोलूंगा अभी। ओके सर, पब्लिक वेयर हाउस भी प्राइवेट पार्टी मैनेज करती है, पर ध्यान रखना एनी इंपोर्टर कैन स्टोर हिज गुड्स। पर प्राइवेट वेयर हाउस जिस लाइसेंसी को लाइसेंस मिला है वो अपने गुड्स उसमें स्टोर करवा पाएगा, किसी और के गुड्स उसमें स्टोर नहीं होंगे। स्पेशल वेयर हाउस तीन कैटेगरी ऑफ गुड्स, जो कैटेगरी ऑफ गुड्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा उसको स्पेशल वेयर हाउस में रखेंगे, और उस स्पेशल वेयर हाउस में लॉक इन की कर रखेगा कौन, कस्टम ऑफिसर। बाकी पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस में रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल है, और स्पेशल वेयर हाउस में ताला लगा रखेगा कौन, कस्टम ऑफिसर। नाउ स्पेशल वेयर हाउस में तीन तरह की गुड्स अभी नोटिफाइड है, एक तो गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल की गुड्स। सेकेंड साहब, गुड्स मेंट फॉर सप्लाई टू फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट, या फिर फॉरेन प्रिविलेज मेंबर को सप्लाई कर रहे हो आप, या फिर किसको सप्लाई कर रहे हो आप सर, एज ए स्टोर्स फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई करो, फॉरेन प्रिविलेज मेंबर को सप्लाई कर रहे हो, या फिर एक सेकेंड सर आप किसको सप्लाई कर रहे हो, मालिक ड्यूटी फ्री शॉप को सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में उन गुड्स को कहाँ रखवा सकते हो आप, स्पेशल वेयर हाउस में स्टोर करवा सकते हो। और स्पेशल वेयर हाउस में अगर स्टोर करवाया है, स्पेशल वेयर हाउस में ही स्टोर कर सकते हो, कहीं और स्टोर नहीं कर पाएंगे, लोकन की रखेगा कौन, कस्टम ऑफिसर। ओके सर, जिसके पास लाइसेंस देने का पावर है उसके पास लाइसेंस कैंसिल करने का पावर भी है। सेक्शन 58 भी बोलता है कि कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो अगर आपने रूल्स रेगुलेशन अगर वॉलेट किए तो वो क्या कर देगा, लाइसेंस आपका कैंसिल कर देगा। बट बिफोर कैंसिलेशन अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दी जाएगी आपको बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। पर हाँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग कि कैंसिल करे कि नहीं करे, एक बार आपका लाइसेंस क्या कर देंगे, सस्पेंड। सस्पेंड कर देते तो कोई नया गुड्स स्टोर नहीं कर पाएंगे, जो पर जो गुड्स ऑलरेडी है उस पर वेयर हाउसिंग के सारे प्रोविजन जो नॉर्मल होते हैं वो अप्लाई होते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, दोज विल कंटिन्यू। और हाँ, अगर मान लो डिसीजन आ गया क्या कि तुम चोर हो, लाइसेंस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो लाइसेंस कैंसिल होने के डिसीजन के 7 days में आपको वेयर हाउस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जितने भी गुड्स आपके उस वेयर हाउस में रखे हुए हैं उन सब इंपोर्टर को आप बोलोगे या तो इनको दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट करवाओ, या फिर क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन, पर इस वेयर हाउस को खाली कराओ साहब। क्लियर, डन। ये था आपका सेक्शन 58B। देन आएगा क्या 59, वेयर हाउसिंग बोन। और याद आया क्या, आपने सर इनटू बोन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करी, असेसमेंट होगा। क्लियर, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का सर आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग बोन साइन करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना है। हाँ, डिपार्टमेंट चाहे तो सिक्योरिटी आपसे मांग सकता है, जो भी उसको लगता है उतना। ओके सर, अब बोन मेरे नाम पर है, मैंने गुड्स आपको बेच दिया, वेयर हाउस में था, तो सर आप मेरा बॉन्ड विल कंटिन्यू अंटिल न्यू बॉन्ड हैज बीन साइन बाय यू एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर, तो ऐसे केस में आपका बॉन्ड नया साइन हो जाएगा, मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सर मैं बार बार इंपोर्ट करता हूँ, बार बार वेयर हाउस में रखवाता हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट ने कहा कि बार बार इंपोर्ट करता हूँ, बार बार वेयर हाउस में रखवाता हूँ, तो ऐसे केस में सर मैं चाहूँ तो एक जनरल बॉन्ड भी साइन कर सकता हूँ, और जनरल बॉन्ड अगर साइन किया है तो बस इट विल बी वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसमें एक अमाउंट हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, इतना अमाउंट होना चाहिए। क्लियर, डन। एंड सर मैक्सिमम उतने अमाउंट की कस्टम ड्यूटी वाली गुड्स ही मैं उसमें स्टोर कर पाऊंगा, और उसका थ्राइस द अमाउंट ड्यूटी का बॉन्ड होगा सब ये। ओके डन सर, कोई डाउट नहीं, अरे क्लियर मालिक। ठीक है सर, ये था वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, सर ड्यूटी पे करना है क्या वेयर हाउस के लिए, नहीं, क्योंकि आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों हुआ, जिस दिन वेयर हाउस से निकलेगा तब कस्टम पे करना है, अभी नहीं पे करना है। ओके, आपने बॉन्ड साइन कर दिया, अब प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा, परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग देगा, ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग देगा। ये ऑर्डर लेके जाएंगे आप कस्टोडियन के पास, कस्टोडियन क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे, देन ही विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर वेयर हाउस। अब गुड्स लेके जाएंगे वेयर हाउस में, अब वेयर हाउस में अपने गुड्स को रखा, जिस दिन वेयर हाउस में रखा सर, अब टाइम लिमिट ऑफ वेयर हाउसिंग कितना है, अगर आप 100% EOU हो, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की यूनिट हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की यूनिट हो, या ऐसे वेयर हाउस ऑपरेटर हो जिसको मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मिल गई विद इन वेयर हाउस, तो ऐसे केस में आपको टाइम लिमिट कितना है, अनलिमिटेड। कैपिटल गुड्स है तो अनलिमिटेड, जब तक आप क्लियर नहीं करते हो सर, और अगर अदर गुड्स है तो टिल देयर क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस या टिल देयर कंजम्पशन, मतलब अनलिमिटेड हो गया बेटा ये। और अदर इंपोर्टर अगर आप हो, अदर इंपोर्टर केस में 1 year का टाइम लिमिट है, पर कमिश्नर चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, इसको रिड्यूस भी कर सकता है। अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स हो, उसको लगता है रिड्यूस करना चाहिए, तो इस टाइम लिमिट को रिड्यूस भी कर देगा 1 year के टाइम लिमिट को। ओके, और अगर उसको लगता है कि नहीं एक्सटेंशन देना चाहिए, आपने अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए, तो कमिश्नर कैन ग्रांट यू एक्सटेंशन फॉर वेयर हाउसिंग, बट टोटल पीरियड ऑफ एक्सटेंशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन 1 year ईच टाइम, मतलब 1 year प्लस 1 year प्लस 1 year हो सकता है मैक्सिमम। ओके, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटेंशन का टाइम लिमिट नहीं दे रखा है, पर जब एक्सटेंशन देंगे एक बार में मैक्सिमम 1 साल का ही क्या मिल पाएगा, एक्सटेंशन मिल पाएगा आपको। ओके, अब सर नो डाउट परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग इज 1 year प्लस एक्सटेंशन, पर फिर भी जिस दिन ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला वहां से 90 days के अंदर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया फॉर होम कंजम्पशन,
तो ऐसे केस में 91st डे से जब आप क्लियर कराओगे फॉर होम कंजम्पशन, उस टाइम जब कस्टम पे करोगे तो 91st डे से लेके जब आप कस्टम पे करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और 90 डेज कब से काउंट करने, जिस दिन ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला तब से काउंट करने, क्लियर। और 100% ईओयू वगैरह केस में तो अनलिमिटेड टाइम है और वहां पे कोई 90 डेज वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होता, डन। सर समझे मेरी बात? और सीबीसी चाहे तो इस इंटरेस्ट को कम भी कर सकती, वेव भी कर सकती, जो इन्होंने अब तक किया नहीं, डन सर। देन सेक्शन नंबर 62 आता है, देखो डिलीट हो गया साहब। सर पहले पब्लिक वेयर हाउस पे कस्टम ऑफिसर क्या करता था, ताला लगा के रखता था, अब केवल स्पेशल वेयर हाउस को ताला लगा रखेगा, बाकी सब वेयर हाउस उसका कंट्रोल हट गया, केवल रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रहेगा, वो कभी भी जाके वेरीफाई चेकिंग कर सकता है, ओके। 63 पेमेंट ऑफ रेंट एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस, पहले सर क्या था, 2016 बजट से पहले पब्लिक वेयर हाउसेस गवर्नमेंट के वेयर हाउस हुआ करते थे, अब सर उसमें प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्या कर दिया मालिक, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट पार्टीज वहां पे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगी और वेयर हाउस ऑपरेट करेगी और मार्केट रेट के हिसाब से वो क्या लेंगे, वेयर हाउसिंग रेंट और वेयर हाउसिंग चार्ज लेंगे, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। पहले जब गवर्नमेंट के वेयर हाउस थे तभी सेक्शन ने पावर दिया था कि गवर्नमेंट विल फिक्स द वेयर हाउसिंग रेंट कितना होगा, क्लियर, डन। पर अब वो सेक्शन की बात रही नहीं, अब प्राइवेट पार्टी वेयर हाउस रेंट लेती रहेगी, वो आपका और उसका काम है, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन नंबर 64 आपके गुड्स वेयर हाउस में पड़े, अब आपके गुड्स वेयर हाउस में पड़े, क्या आपका कोई राइट है क्या गुड्स पर? यस, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, डील विद देयर कंटेनर्स इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट लॉस और डिटेरियरेशन टू द लॉस टू द गुड्स, क्लियर। सॉर्टिंग कर सकते हो बेटा और अपने कस्टमर्स ले आके उनको दिखा भी सकते हो कि ये गुड्स है साहब, आपको अगर परचेस करना हो तो, ओके ठीक मालिक। और सर ध्यान रखना, अब आपको गुड्स को रिमूव करना है फ्रॉम वेयर हाउस, क्लियर। पर उससे पहले एक मस्त सेक्शन आता है, मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस। सर आपने अगर कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर की परमिशन ले ली तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिल जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन अगर आपको मिल गया तो ऐसे केस में सर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, वेयर हाउस में रखवाया, मार्कर बनाया और मार्कर बना के आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो नो कस्टम विल बी चार्ज ऑन द प्लास्टिक या मार्कर, क्लियर, किसी भी कोई कस्टम नहीं लगेगा। पर अगर आपने मार्कर बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड इन द DTA, तो ध्यान रखना फिनिश्ड गुड्स पे कस्टम लगेगा एज इफ दोज फिनिश्ड गुड्स वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली, क्लियर। और कुछ आपने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट किया और कुछ डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, तो कुछ कुछ हो जाएगा सर, कुछ पे एक्सपोर्ट नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट किया तो कस्टम नहीं लगेगा, और कुछ जो फिनिश गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचा उस पे कस्टम लग जाएगा एज इफ दोज आर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली, बोलो यस सर, क्लियर, डन, ओके। फिर आता है सर, इसमें आता है वेस्ट और स्क्रैप। अब ड्यूरिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद इन द वेयर हाउस आपका अगर कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे केस में उस वेस्ट और स्क्रैप को का ट्रीटमेंट क्या होगा, बात सुनना। अगर आपने वेस्ट और स्क्रैप की कोई वैल्यू है ही नहीं, जीरो वैल्यू, बात ही खत्म होगी सर, पर उसकी वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपी, रिलाइजेबल वैल्यू 1 लाख रुपी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब उस 1 लाख पे कस्टम लगेगा कि नहीं लगेगा उसकी बात करो। अगर आपने वेस्ट स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, बात ही खत्म, एक्सपोर्ट कर दिया, बात ही खत्म। पर अगर वो 1 लाख का वेस्ट स्क्रिप्ट आपने DTA डोमेस्टिक मार्केट में 1 लाख में, तो कस्टम लगेगा उस वेस्ट स्क्रिप्ट पे, पर कितना लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स ओरिजिनली आपने क्या किए थे, एक्सपोर्ट किए थे, तो फिनिश गुड्स में तो कोई कस्टम नहीं है, पर वेस्ट स्क्रिप्ट जो आपने DTA में बेचा है उस पर कस्टम विल बी चार्ज्ड एज इफ सच वेस्ट स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। मान लो 1 लाख रुपी वॉज द वेस्ट स्क्रैप का वैल्यू और 12% थी वेस्ट स्क्रैप पे रेट ऑफ टैक्स, तो 12% लग जाएगा क्या, कस्टम्स उस वेस्ट स्क्रैप पर, क्लियर। मार्केट पे भले कुछ भी रेट ऑफ कंसर्न नहीं है, प्लास्टिक पे रेट थी 15%, उससे भी कंसर्न नहीं है, क्लियर। वेस्ट स्क्रैप ही इंपोर्ट किया आपने इंडिया में एज इट इज, यही मानेंगे। पर अगर फिनिश गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे थे, तो फिनिश गुड्स पर तो कस्टम लग गया। Now what about वेस्ट स्क्रैप? अब वेस्ट स्क्रैप भी आपने DTA बेचा, तो कस्टम विल बी चार्ज ऑन द वेस्ट स्क्रैप एज पर द रेट ऑफ द प्लास्टिक, मतलब इंपोर्टेड मटेरियल का जो कंटेंट होगा उसकी जो रेट होगी उस रेट से उस वेस्ट स्क्रैप पे कस्टम लग जाएगा, क्लियर। अगर फिनिश गुड्स आपने DTA बेचे थे तो, डन सर, डन। फिर सेक्शन नंबर 66 मेरी ओपिनियन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि सर इसका लैंग्वेज जो है वो खुद बोलता है कि अगर फिनिश गुड्स पर रेट ऑफ कस्टम्स कम हो और इंपोर्टेड गुड्स पर रेट ऑफ कस्टम ज्यादा हो, तो जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है। पर मैं कहता हूं अगर प्लास्टिक पर रेट 15% थी, मार्केट पर रेट 10% थी, और मार्केट अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, तो एनीवेज कितना लगेगा, 10% लगेगा भाई, तो माफ करने की बात तो आती नहीं है, ठीक बात है। सर अब आपको वेयर हाउस से रिमूव करना है गुड्स, अब रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर अनदर वेयर हाउस, तो कुछ नहीं, कस्टम ऑफिसर की परमिशन लोगे, वो परमिशन देगा और सर गुड्स विल बी अलाउड फॉर रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर अनदर वेयर हाउस, क्लियर। और सर ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कोई नया बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं, बस हाँ ये जो पुराना वाला वेयर हाउस वाला होगा उसका वेयर हाउसिंग रेंट या चार्ज होगा वो उसके लेता रहेगा, वो पे करने का और निकलने का, क्लियर, ओके। सर फिर बात आती है क्या भाई, मैं पहले दूसरा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 69 पहले पढ़ा रहा हूँ, रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट, रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट।
अब सर आपको गुड्स को क्या करना है, कस्टमर और वेयरहाउस से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यस एक्सपोर्ट विल बी अलाउड और कोई कस्टमर वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी कस्टमर वगैरह पे करने की जरूरत नहीं इंपोर्ट गुड्स के रेस्पेक्ट में। हाँ, कोई छोटा मोटा कोई फाइन पेनल्टी वगैरह तो वो पे करना पड़ेगा बस। हाँ, वेयरहाउसिंग रेंट, वेयरहाउसिंग चार्ज, वो वेयरहाउस ऑपरेटर लेता रहेगा, उसका टेंशन कस्टमरों का नहीं है, इसलिए सेक्शन में उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कही है। जो पहले बात की थी उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि पहले वेयरहाउसिंग रेंट और कस्टम, वेयरहाउसिंग रेंट और वेयरहाउसिंग चार्ज कस्टम डिपार्टमेंट लेता था, इसलिए उसमें लिखा हुआ था। अब तो सब वेयरहाउस ऑपरेटर लेगा, इसलिए इन सारे सेक्शन में जहाँ भी वेयरहाउसिंग रेंट और चार्ज था वो कस्टम्स एक्ट से डिलीट कर दिया, क्योंकि वो वेयरहाउस ऑपरेटर लेगा, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं लेगा वो। देन माता दी क्या, रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन। पर उससे पहले एक बात, अगर आपको बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन रेलिंक्विशमेंट करना है तो यू कैन रेलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन कस्टम्स, और अगर रेलिंक्विशमेंट अलाउ हो गया तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर ऑफेंडेड गुड्स के लिए कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता। क्लियर, डन। और रेमिशन अगर अलाउ हो गया तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कोई फाइन वगैरह छोटा मोटा है तो वो पे करना पड़ेगा। पर हाँ, वेयरहाउस ऑपरेटर अपना रेंट वगैरह वो लेगा, वो उसका काम है, वो ले लेगा आपसे। क्लियर, अब आपको रिमूव करना है फॉर होम कंजम्पशन। तो सर आप आएंगे, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे, रीअसेसमेंट होगा, ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा, एंड सर जो नया रेट ऑफ ड्यूटी होगा, मान लो पहले ओरिजिनली जब आपने इंपोर्ट किया था तब रेट ऑफ ड्यूटी था 10%, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल किया था तब 10% था, अब आपने रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन, जब रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन वेयरहाउस है तब रेट ऑफ कस्टम हो गया 15% या 5% इस केस में भी, तो सर रीअसेसमेंट होगा और नई रेट से जो कस्टम आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाट व्हिचएवर इज लेटर, और जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करता है उस दिन कस्टम लगता है, इसलिए नया रेट ऑफ कस्टम से रीअसेसमेंट होगा, ड्यूटी निकलेगा, वो आप पे करोगे, आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर मिलेगा, देन गुड्स विल बी अलाउड फॉर रिमूवल, बॉन्ड क्या हो जाएगा कैंसिल। क्लियर, ओके। अब सर एक दो बातें और, इसमें सेक्शन नंबर 70 बोलता है गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर। मान लो आपने ऑयल इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया बेटा, ऑयल। अब जो आपने ऑयल इंपोर्ट किया, अब कितना भी स्टोर कर लो, कैसे भी स्टोर कर लो, 2% तो नॉर्मल लॉस है ही सब। तो 1 लाख लीटर ऑयल आपने इंपोर्ट किया, 2% नॉर्मल लॉस हो गया, इवोपरेट हो गया, अब 98,000 लीटर ही बचा, तो 2% जो नॉर्मल लॉस हुआ उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन इज नॉट लाइबल टू पे कस्टम ड्यू ऑन सच 2% गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर। सेक्शन 71 बोलता है गवर्नमेंट ने जिस तरह से परमिशन दी है प्रॉपर ऑफिसर ने, या तो रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट के लिए, या अनदर वेयर हाउस के लिए, या फॉर होम कंजम्पशन के लिए, उस अकॉर्डिंग आपको रिमूव करना है, जो भी कंडीशन लगाई होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रोवर्शन किया तो सेक्शन 72 बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्शन अगर आपने किया है, या टाइमली गुड्स को रिमूव नहीं किया जो परमानेंट टाइम था उसमें, तो सर दे कैन इमीडिएटली डिमांड द पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी फाइन, वो चार्ज कर सकते हैं आपसे। और अगर आपने पे नहीं किया एंड इफ गुड्स आर अवेलेबल, तो आफ्टर गिविंग यू अ नोटिस दे कैन सेल द गुड्स और पैसा रिकवरी कर लेंगे। एंड सर आपने गुड्स वगैरह रिमूव कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया केस। क्लियर, तो वेयरहाउसिंग बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर गुड्स आपने किसी को बेच दिया अंदर ही वेयरहाउस में, और ट्रांसफरी ने नया बॉन्ड साइन कर दिया, आप फ्री हो गए, आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा कैंसिल। एंड लास्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 73A, सिंस पब्लिक वेयरहाउस और प्राइवेट वेयरहाउस में या स्पेशल वेयरहाउस में लाइसेंसी को ओपन किया गया है, तो उसको बोला तुम्हें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एंड जब तक प्रॉपर ऑफिसर का प्रॉपर ऑर्डर नहीं आया था रिमूवल के लिए, तब तक यू विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। और सर तुमको जब तक ये रिमूवल नहीं हुआ है गुड्स का प्रॉपरली, यू विल हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर कस्टडी रखनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने, और अगर कोई गुड्स गड़बड़ पाए गए तो ऐसे केस में सच वेयरहाउस ऑपरेटर लाइसेंसी विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यू ऑन सच गुड्स, हम उनसे रिकवरी करेंगे सर, ध्यान रखना। ओके, डन, ये खत्म हो गया क्या वेयरहाउसिंग चैप्टर। अब दो केस लो ध्यान रखना। SBC शुगर लिमिटेड बोलता है आपने गुड्स इंपोर्ट किया, अब लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग था मान लो 14 फरवरी 2018, पर आप उस टाइम मान लो बिजी थे कहीं। क्लियर, और आपने क्या कर दिया, उस दिन तक नहीं आए, और 21 फरवरी 2018 को आके आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, तो सर लास्ट डे जब तक आप नहीं आए थे, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन मिला के तक नहीं आए, तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होगा उस दिन ये मान लेंगे कि गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड, और उस दिन जो रेट ऑफ कस्टम होगा उस रेट से कस्टम लगेगा, भले 21 फरवरी को गुड्स एग्जम्प्ट हो जाए या रेट ज्यादा हो जाए कम हो जाए, उसे कंसर्न नहीं है, ध्यान रखना। लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा उस रेट से कस्टम पे करना पड़ेगा आपको। और हाँ, सुनना ध्यान से सर, इन केस अगर आपने एक लास्ट पॉइंट जजमेंट आया साहब, डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केस में, कि सर इसने क्या किया, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग था उस दिन तो आया ही नहीं है,
14 February लास्ट डेट था, 21 February को आके बोलता है क्या मेरे को रेलिंग्विशमेंट करना है, मेरे को टाइटल रेलिंग्विश करना है, रेमिशन चाहिए सर, प्लीज रेमिशन अलाउ कर दो. क्या रेमिशन अलाउ होगा? सर इस केस में जजमेंट आया कि रेमिशन अलाउ होता है बट बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन अलाउ होता है. पर सर अगर आपने लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग गुड्स को रिमूव नहीं किया तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होता है उस दिन मान लेते हैं कि गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड और आफ्टर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन आपको रेमिशन नहीं मिलेगा. इसलिए इस केस में एसएससी केस हार गया, उसको ड्यूटी पे करना पड़ेगा और सर रेमिशन नहीं मिलेगा. बोलो यस सर. कुल मिला के रेट ऑफ ड्यूटी वाली बात हो या सर रेमिशन वाली बात हो, बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन ही अलाउ होता है और लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग तक आप नहीं आए तो जो लास्ट डे होता है उस दिन मान लेते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड और लास्ट परमिटेड डे जो रेट होगा उस रेट से कस्टम लगेगा और आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद रेमिशन भी नहीं मिलेगा. क्लियर? ये पूरा वेयरहाउसिंग चैप्टर भी खत्म होता है. अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. पक्का बेटा? डन.